दोस्तों हम हो या फिर आप, जब भी कभी स्पीकर लेने की सोचते हैं तो एक बार मन में विचार जरूर आ जाता है कि किस कंपनी का स्पीकर लें। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि किस कंपनी का स्पीकर लें तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कई सारे ऐसे ब्रांड लेके आया हूँ जो कि आपका पैसा वसूलने वाले स्पीकर होंगे। यानी अगर उन पर आप पैसा लगा देते हैं तो आपका पैसा वसूल कर ही वो दम लेने वाले स्पीकर हैं, आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। और मैं जिन स्पीकर को आपको रिकमेंड करूंगा, मैंने उसके विषय में सारी जानकारी ले लिया है, उसके विषय में आपको पूरा डिटेल लेकर ही मैंने आपको स्पीकर रिकमेंड किए हैं। तो आप जो भी मैं कंपनी बताने वाला हूं, इनमें से आप कोई भी स्पीकर अपने बजट के हिसाब से आंख बंद करके ले लीजिए, आपका वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, कभी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों हमें पता है कि जब भी कोई साउंड सिस्टम को स्टार्ट करता है, यानी अपने डीजे का बिजनेस को प्रारंभ करता है, तो कोई कसर नहीं छोड़ता पैसा लगाने में, पूरे मन से अपने पैसे को लगाता है कि हमारा अच्छा क्वालिटी का सामान मिले। लेकिन बेचारा वो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, कम जानकारी की वजह से कहीं ना कहीं गलत रास्ते में चला जाता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ उसके पास गलत आ जाता है, जिसकी वजह से उसका साउंड सिस्टम वीक पड़ जाता है। बेचारा करे क्या, जब जानकारी नहीं होती तो गलत रास्ते में चला जाएगा। अगर आप भी साउंड के बिजनेस में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर समय समय पर ऐसे ही जरूरी वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। और मैं भी चाहता हूं कि कभी भी आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा काफी बर्बाद ना हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन अरुद्रा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RDG सपोर्ट पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहली कंपनी के साथ। दोस्तों सबसे पहली कंपनी हमारी होने वाली है अपने प्यारे देश भारत की कंपनी आहूजा। दोस्तों आहूजा का आप कोई भी स्पीकर बेहिचक ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। आप यहां से 15 इंच स्पीकर, 18 इंच स्पीकर, 12 इंच स्पीकर, लाइनरें, 8 इंच स्पीकर और कॉम्बो जैसे कि बेस, टॉप एंड 12 इंच के टॉप, सब कुछ आप यहां से ले सकते हैं। बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है। भारत देश के साथ साथ अन्य देश भी इसके प्रोडक्ट को बहुत ही विश्वास के साथ लेते हैं। इसके स्पीकर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। मैंने अपने चैनल पर एक पोल डाली थी जिसमें करीब 4000 वोट आए थे, उसमें मैंने 3 अन्य कंपनियां भी ऐड की थी, उसके साथ आहूजा को ऐड किया था। तो यहां पर लोगों ने आहूजा को 66% वोट किया, यानी कि लोग बहुत पसंद करते हैं आहूजा को हमारे देश में और बाहरी कंट्री में भी। तो आप इसका कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको एक बार और बता दूं कि इसका प्रोडक्ट आपको जो है सर्टिफाइड जो हमारे विक्रेता होते हैं, मतलब अधिकृत विक्रेता होते हैं आहूजा के, उनसे लेना है। क्योंकि कोई भी कंपनी हो दोस्तों, उसका लोकल ब्रांड बहुत मिलता है। आप आहूजा का ओरिजिनल प्रोडक्ट कहीं से भी ले लीजिए, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों स्पीकर के लिए जो हमारी दूसरी कंपनी है, वो भी हमारे प्यारे देश भारत की कंपनी है, जिसका नाम है स्वीटन। आप स्वीटन का कोई भी स्पीकर ले सकते हैं अपने साउंड सिस्टम के लिए। ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स बनाने के लिए प्रसिद्ध कंपनी है। ये हमारे भारत देश के साथ यह कंपनी भी पूरे विश्व में आज अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे करके बढ़ा रही है। आप इस स्पीकर के विषय में सुने भी होंगे, अगर नहीं सुने तो अपने सिस्टम में एक बार लगा के इस स्पीकर की क्वालिटी सुन सकते हैं। आप आंख बंद करके इस स्पीकर को भी ले सकते हैं अपने साउंड सिस्टम के लिए। यह कम बजट में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्पीकर देने के लिए फेमस है, जो कि हमारे पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता में इसकी कंपनी है, वहाँ पर स्पीकर बनाए जाते हैं। तो भाई इस कंपनी का भी आप सपोर्ट करिए, अपने देश की कंपनी है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये विदेशी कंपनियों की वाट लगा रही है। तो इसका स्पीकर आप एक बार लेके देखिए, फिर मेरे से कमेंट में बताना कि आपको स्पीकर कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी अगली स्पीकर कंपनी की, जो कि हमारी है PRDO। दोस्तों यह एक थाईलैंड की कंपनी है और हमारे भारत देश पर बहुत अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स को निर्यात करती हैं। दोस्तों अगर आप अपने साउंड सिस्टम में इस कंपनी का स्पीकर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स हैं। मैंने अपने चैनल पर एक पोल डाली थी जिसमें आप देख रहे हैं, इसमें भी लगभग 4000 वोट आई थी और 4000 वोटों में से लगभग 72% लोगों ने, यानी 72% लोगों ने PRDO को पसंद किया था। तो कुछ तो है PRDO के अंदर जो कि लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने भी इसको कुछ दिन तक इस्तेमाल किया है, कुछ स्पीकर हालांकि इसके इस्तेमाल किए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। दोस्तों आप इसे अपने साउंड सिस्टम में लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि PRDO का मार्केट में डुप्लीकेट भरा पड़ा है, यानी इसके डुप्लीकेट स्पीकर बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको किसी विश्वसनीय शॉप में जाकर, यानी साउंड की जो शॉप होती है, वहाँ से आपको अपने किसी विश्वसनीय रिटेलर से ही इसे परचेज करना है। यानी आप इसे खरीदिए तो काफ़ी ज़्यादा देख कर खरीदिए, क्योंकि इसका डुप्लीकेट आ गया तो उसका कोई भी रिस्पॉन्स अच्छा मिलने वाला नहीं है, ये ओरिजिनल ही आपको लेना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली साउंड कंपनी की। दोस्तों जो हमारी अगली स्पीकर्स कंपनी है वो है ATI Pro, यानी 80 Pro।
ये एक इटालियन टेक्नोलॉजी से लैस कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साउंड प्रोडक्ट को बनाती है। ये भी बेस का स्पीकर, टॉप का स्पीकर और लाइनरेस एंड एचएफ ड्राइवर बनाती है। आप अपने साउंड सिस्टम में 80 प्रो का भी कोई भी स्पीकर लगा सकते हैं। इसके भी स्पीकर काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय है और आपका पैसा वसूलने वाले स्पीकर ये भी होने वाले हैं। तो बेशक आप 80 प्रो का भी स्पीकर लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी ये भी है, लेकिन इसको भी आपको जो है काफ़ी देख कर खरीदना है, क्योंकि ज़्यादा विश्वसनीय होने के बाद और ज़्यादा प्रसिद्ध होने के बाद इसके भी डुप्लीकेट मार्केट में धीरे धीरे उतर रहे हैं। दोस्तों, जो हमारी अगली स्पीकर कंपनी है वो है ऑडियोटोन। आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि ऑडियोटोन ने आजकल साउंड की दुनिया में एकदम धमाल मचा के रखा है। दोस्तों, ऑडियोटोन जो है हमारी लंदन की कंपनी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साउंड प्रोडक्ट हमारे लिए प्रोवाइड करती है। यह मार्केट में बहुत बड़े बड़े स्पीकर आजकल उतार रही है। इसका एक एक स्पीकर जो है लगभग 25-25 वाट तक का है, जिसमें 6 इंच वॉइस कॉइल इन आउट और स्पीकर के वाट के हिसाब से हैवी मैग्नेट। तो आप अपने साउंड सिस्टम में इसके स्पीकर लगा सकते हैं बिना सोचे। स्पीकर थोड़े से महंगे हैं, लेकिन क्या हुआ, जब क्वालिटी अच्छी होती है तो महंगाई मायने नहीं रखती। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आपको इसका स्पीकर लेना चाहिए। दोस्तों, जो हमारी अगली साउंड कंपनी है वो है डायनाटेक। इसके भी स्पीकर्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। यह कंपनी भी स्पीकर के साथ साथ एम्पलीफायर वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराती है। तो अगर आप अपने साउंड सिस्टम में डायनाटेक का स्पीकर यूज करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्पीकर हैं, आग उगलने वाले स्पीकर हैं डायनाटेक के। तो आप बेहिचक डायनाटेक का स्पीकर भी लगा सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी अगली स्पीकर कंपनी है वो है स्टूडियो मास्टर। आपने कहीं ना कहीं स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल का नाम तो सुना ही होगा। तो स्टूडियो मास्टर भी काफ़ी अच्छी स्पीकर कंपनी है, तो आप इसके भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। हालांकि ये एक चाइना की कंपनी है, तो आप अगर मन बैठे तो आप इस चाइना के कंपनी का सपोर्ट करिए, आप इसके प्रोडक्ट ले। लेकिन मैं ये तो बताऊंगा कि हाँ, इसके स्पीकर अच्छी क्वालिटी के हैं, उसका जो भी प्रोसेसर आते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के आते हैं। तो आप अगर मन बने तो इस प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं, इसके भी स्पीकर आपको पैसा वसूलने वाले ही बनेंगे। दोस्तों, अगर आपका बजट कम है तो आप स्टेंजर कंपनी का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। आपने स्टेंजर का एम्पलीफायर कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं हर एक साउंड सिस्टम वाला बंदा स्टेंजर का एम्पलीफायर जरूर रखता है। तो आप एम्पलीफायर के साथ साथ स्पीकर को भी ना भूल जाना। जो हमारी स्टेंजर कंपनी है उसके स्पीकर्स भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आते हैं। तो अगर आप अपने साउंड सिस्टम में स्टेंजर का स्पीकर लगाना चाहें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। स्टेंजर कंपनी जो है कम बजट में आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देती है। ये हमारा जो है स्पीकर्स और कंप्लीट कॉम्बो, टॉप, बेस और एम्पलीफायर, मिक्सर आदि जैसे सारे प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करती है। यह भी हमारे प्यारे देश भारत की कंपनी है और हम सबको इस कंपनी का भी सपोर्ट करना है। तो आप कभी इसका जो है कॉम्बिनेशन आपस में मिला के देखना, स्टेंजर का ही मिक्सर, स्टेंजर का एम्पलीफायर और स्टेंजर का स्पीकर एक बार लगा के देखना, फिर इसका क्वालिटी देखना, तो आप जो है इसका प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी अगली कंपनियां हैं उसमें से मैं शामिल करता हूं डीजे प्लस को और एम्प्रो को। तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां थी स्पीकर्स के लिए जिनको मैंने आपको बताया। तो आप अपनी बजट के हिसाब से इनमें से किसी भी कंपनी का स्पीकर्स ले सकते हैं। आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा कि आपने गलत स्पीकर ले लिया है। ये सारी कंपनियाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं और जितने भी हाई लेवल के साउंड सिस्टम वाले बंदे हैं इनमें से शायद कोई ना कोई इसका स्पीकर कहीं ना कहीं कोई एक कंपनी का जरूर यूज करता है। तो आप कोई भी ऐसी कंपनी ले लीजिए, लेकिन क्या है, आपको अच्छे तरीके से ऑपरेट करना है, अच्छा ऑपरेटर लेना है और अच्छे एम्पलीफायर के साथ इसका कॉम्बिनेशन करना है। अगर आपको इसके एम्पलीफायर के विषय में जानकारी लेना है कि कौन सा स्पीकर किस एम्पलीफायर में चलने वाला है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसका भी वीडियो बनाकर ला दूंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसा भी कोई ज़रूरी वीडियो जब भी मैं भेजूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल।